हाँ तुमने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात की, हाँ कि तुम एक, हमने देखा है, एक बूढ़ी खांगर बन गई। शुरू में तो वही रूटीन की लाइफ दिखा रही थी इसके अंदर, कि वही एक बीवी है और बच्चे हैं और वो एक घरे एक बीवी है बहुत सी बीवी है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा खैर, वो इसी तरह होता है कि ठीक है, लाइफ चलते 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 वो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ गलत फहमियां पैदा की जाती है, फाइनली वो ब्रेकअप हो जाता है। तो उसके बाद अचानक से कुछ कोई 15-20 एपिसोड के बाद बताते हैं कि शी इज अलाइव, ना जिंदा है वो बुड्ढी माई। तो वो इतना मजा आया, कोई मैंने जो है ना पूरे बहुत देर से मैं कोशिश कर रही हूँ ये सब ना हो सके चाहिए आपको, इतना मजा आता था बिल्कुल कसम से। वो बुड्ढी बनने के ना वो एक्सपीरियंस हो गया था कि अच्छा ये होने वाला है मेरे साथ, आज से 20-30 साल बाद मेरे साथ ही होने वाला है ना। वैसे 20-30 साल ही काफी ज्यादा साल है, और एवर जितने भी साल ओनली 55 20 ईयर्स ही लुक एग्जैक्टली लाइक दैट। तो उतना मगर तुम्हें ये बचपना जो एक थोड़ा सा है तुम्हें बड़ी हूँ कह सकती हूँ तुम्हें, ये जो बचपना है तुम्हारे अंदर वो तुम उसकी वजह से सफर नहीं करती। लोग कभी एडवांटेज नहीं उठाने की कोशिश करते कि यार बच्ची सी है इसको अकेले में ऐसे कहो कि यार इतने में कर लो ये उसको हम ये। प्रोफेशनलिज्म जहाँ आता है, प्रोफेशनल बात जहाँ आती है वहाँ मैं प्रोफेशनल हूँ। अगर सारा चौधरी को 3 अल्फाज में डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होंगे? 3 अल्फाज मेंटल एंड लिटिल बिट मोर मेंटल। वेल फ्रेंडली, नाइस ह्यूमन बीइंग एंड वेरी प्रोफेशनल। नाइस तो कोई वर्ड नहीं होता, ये मेरी अंग्रेजी के टीचर ने कहा था आई वांट नाइस गुड एंड बैड आउट ऑफ द डिक्शनरी, नाइस को निकालें कोई और वर्ड का। गुड ह्यूमन, गुड गर्ल, अच्छी ह्यूमन, सब ठीक है। आई एम अच्छा पर्सन, अच्छा पर्सन। आई थिंक दीज थ्री थिंग्स आर ओके। अच्छा, सबसे बुरी आदत क्या है? सबसे बुरी आदत क्या है? एतबार करने का थी तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी लोगों को बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ मैं। नहीं वो मुझे नहीं पता वो बुरी बात है कि नहीं है, वो मुझे कभी उससे कभी। अच्छा वो ऐसी, वो एक ऐसी आदत जो बहुत अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, जिसकी वजह से सफर बहुत किया है। मैं शेयर नहीं करती हूँ किसी के साथ। क्या मतलब? कोई एक तो होता है ना नॉर्मल चीजें शेयर करना, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ होता है, कुछ आप सोच रहे होते हैं, तो मेरी मामा को मेरे से अक्सर शिकायत रहती है, मामा मुझे पता है तो वो अक्सर शिकायत करती है, इवन हर किसी को ये शिकायत होती है, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स को भी, कि तुम अपनी को भी कोई बात शेयर नहीं करती हो। एक कसासेज होते हैं ना आपके दिल के, आप कभी बैठते ही हो यार कभी फ्रेंड के साथ कि मेरी लाइफ में ऐसा ये चल रहा है और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में ही हो जाए, और मैंने फलाने ने मेरे साथ ये किया, फलाने मुझे फला बात बुरी लगी, फला अच्छी लगी। आई नेवर शेयर, मैं बस जहाँ पे होती हूँ उसी वक्त की बातें कर रही हूँ कि ठीक है हाँ कल ये हुआ परसों हुई हो दैट, मतलब वो लाइफ की बातें होती है, लेकिन अंदर नहीं कभी मैं शेयर करती, जो मेरी माँ को बहुत होता है अपने अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं। बट आई यू अ वेरी सेंसिटिव पर्सन सारा? यस आई एम, मैं 2 मिनट से पहले रोना शुरू कर देती हूँ, लेकिन अगर मैं घर पे हूँ और मेरी पेरेंट्स या मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स कुछ कहते हैं, वैसे भाई मैं बहुत फॉरगिव करती हूँ, कुछ भी कोई बोल दे तो मैं कहती हूँ क्या डोंट केयर, लेकिन वैसे मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। घर में तो बस एक बात कहने की जरूरत है, टप 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 टप। कितने सालों तक अकेली तुम्हें जी घर में? मैं अपनी पूरी फैमिली में 9 साल तक अकेली अकेला था, और फिर मुझे पता चला मैं लड़का हूँ मगर नहीं हूँ, मगर लड़की हूँ। अकेली बची रही 9 साल तक ददियाल में भी और ननियाल में भी, तो वो बस इसी चक्कर में ना, एक ही लड़की थी, लड़का होता तो और चीज थी, लड़के को लड़की नहीं बना सकते थे, लेकिन एक लड़की थी तो मुझे पैंट शर्ट पहना दी जाती थी, ईद के ईद मुझे फ्रॉक पहनाए जाते थे, और उसके अलावा पैंट शर्ट पहना दी जाती थी, और मेरे चाचू कह रहे थे इरफान इधर आओ, और दूसरे मामू कह रहे ना इधर आओ, और पापा कह रहे थे ओ बशीर की कर रहे हैं, तो मैं कहती थी कुछ नहीं कर रहे। मैंने तुमसे ये बात पूछती है, जो हम जो पंजाबीज हैं और एटलीस्ट इस एरिया में रहते हैं, हमारा बहुत एक पंजाबी एक्सेंट हो जाता है कैरेक्टर प्ले करते हुए, जब आप अपने आप को उस कैरेक्टर में लूज कर जाते हो तो एक्सेंट का मसला नहीं आता? शुरू में बहुत था, बहुत ज्यादा था, मैं आ रही हूँ मैं जा रही हूँ, हाँ मैं कर रही थी, मैं यू नो आप जानते हैं, गुस्सा आता था तो उस वक्त खास तौर पे हो जाता था, कि उस वक्त बिल्कुल आपको कुछ नहीं था, आपने बस बोलना होता है, तो उस वक्त बहुत ज्यादा था, लेकिन थैंक्स टू माय कोस्टार्स जिसमें फैसल कुरैशी एंड काशिफ महमूद एंड आई थिंक स्टार्टिंग में तो ये थे, वैसे तो नुमान एजाज जिन्हें मैं नोमी अंकल कहती हूँ, नोमी भाई नोमी भाई तू अंकल बना ले उनको, वो मुझे खुद कहते हैं, मैं तो उनको छेड़ती हूँ नोमी अंकल। तो ये मेरे कोस्टार्स इन्होंने बहुत हेल्प की, और अब जाके जो है बहुत बेहतर हो गया है, कि अब मैं वाकई जब एक्ट कर रही हूँ तो मुझे ऐसे लोग कहते हैं आप कराची से हैं, मैं कहती हूँ क्यों,
तो कहते कि नहीं आपके एक्सेंट से ऐसा लगता है, मतलब अभी भी मैं शायद बोल रही हूँ तो अच्छी उर्दू बोल रही होंगी, लेकिन घर में मैं ऐसे बोल रही हूँ सलीस उर्दू है ना, घर में जब मैं होती हूँ तो मैं ऐसे बोल रही हूँ क्या कह रही है, सलीस सलीस सिंपल बट वेल स्पोकन। वक्त एक छोटी ब्रेक का, बातचीत हो रही है सारा चौधरी से, जो जिन्होंने अपने आपको डिस्क्राइब किया एज अ नाइस ह्यूमन बींग, नाइस वर्ड को वैसे मैंने निगेट कर दिया और हटा दिया, एज अ फ्रेंड फ्रेंड।